सच्ची में बाइक चलाने वाले हो? हाँ। क्या घर से वो छोटा मोटा गाड़ी लेके आया है? करेगा अभी देखना। वापस वापस ये। तो ये सुबह सुबह अपने फ़ोन की अलार्म बज गई, सो 4 बजे मैं उठ नहीं रहा हूँ, 4 बजे मैं राइड के लिए निकल रहा हूँ। सो चलते हैं राइड पे, बाकी अलार्म मैं बंद कर दूँ कि बीच में मुझे परेशान बिल्कुल ना करेंगे वो लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे आगे 2 Xpulse 200 है, जो हमारे बोईसर के हीरो शोरूम से, धनानी हीरो शोरूम से, और इसमें हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है। और यहाँ पे सुबह के 4:30 बज रहे, और यहाँ पे आप देख रहे 2 Xpulse 200 जो हमारे एक पालघर के भाई हैं। सो सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं उनका नाम भूल गया। सो यहाँ से हम अभी निकलेंगे डायरेक्ट मलाड के लिए। हे गाइस, तो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। सुबह सुबह मतलब जोश में निकले, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त मिले, और चार तीन इम्पल्स एक्सपल्स मिल गए साथ में। यहाँ तक राइड करके बहुत मजा आया, आगे पीछे आगे। अब लेकिन यहाँ पे होने क्या वाले, तो भैया बता दो कि कैसे आपने हमें ये कॉन्टेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम स्वप्निल है, मैं धनानी हीरो में एज अ सर्विस मैनेजर काम करता हूँ। ये हमारा इवेंट चालू है एक्सपल्स एक्सट्रैक्ट के लिए, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतना खुश हूँ ना, मतलब कि आज तक मेरे पास KTM ड्यूक है, लेकिन आज तक मैं किसी ड्यूक के इवेंट में गया नहीं। लेकिन भाई ने मुझे फोर्स किया कि भाई नहीं, आ जाओ, बहुत अच्छा इवेंट है, आप ऑफ रोडिंग भी करते हो, एक बार आके देखो। ट्रैक देख लीजिए, जैसे भी आप देखेंगे गोप्रो में मैं किस तरह इसको बाइक चलाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो देखो मतलब पूरा घूम घूम के, ऐसा नहीं है कि छोटा सा, ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। देन वहाँ से स्टार्ट होता है, उधर जाता है किधर, तो फिर उधर से यहाँ पे आता है, ऊपर खाबड़ है, देन यहाँ पे भी गड्ढा है। कब ये कि यहाँ पे ट्रैक का डिजाइन भी बनाया गया, तो कैसे यहाँ से बाइक जाएगा ऐसे 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 उबड़ खाबड़ यहाँ से घूमते 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 यहाँ से यू टर्न मार के फिर ऐसे 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 फिर यहाँ पे वापस आना है। नंबर मिला इस बैंड में, उसके हिसाब से वहाँ पे बाइक दे रहे सभी को, और आई थिंक और गियर्स भी दे रहे। सब ऐसे इवेंट में जाए तो अपना ऐसा जैकेट जरूर लेके जाए, तो इनके सभी गिरे हुए तो थोड़ा तो बचाएगा आपको, पर गिरने का कम ही चांस है क्योंकि हम फुल जोश में रहते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ये ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ एकदम प्रोफेशनली, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े लोग हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं ऐसे एक एक करके You have to make a L. So this whole extract is all about feeling how the Xpulse is in the wild. तो ये समझ में आ गया मेरे को क्या क्या करना है। ओके, अच्छे से समझ गया मैं, एकदम बढ़िया से समझ गया। भाई रेडी हो? चलो भाई बुला रहे वहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चार दो तो ये वाली बाइक मिली है। सो सॉरी बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है मेरे गोप्रो का थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो ऑफ रोडिंग है स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आप कभी ऑफ रोडिंग करें तो प्लीज़ डिस्टेंस बनाए रखना। मैंने फर्स्ट टाइम ऑफ रोडिंग किया था तो उतना डिस्टेंस बनाए नहीं रखा। सो यहाँ पे ये सडनली मतलब यू नहीं, वी टाइप का टर्न होता है जो काफ़ी स्पीड में लिया जाता है, और यहाँ पे हम स्लो में ले रहे थे, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी हल्का सा ऊपर लिया, फिर हल्का सा नीचे लिया, देन स्लो में टर्न किया। बाकी लोग तो क्या करते एकदम स्पीड में वो वी टर्न मारते, देन यहाँ पे भी इसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में 10 स्पीड ब्रेक एक साथ। तो मतलब यहाँ पे हो गई मेरी गाड़ी बंद, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। सो यहाँ पे फिर भी मैंने निकाल ली सब बाजू से, कैमरामैन साइड में हटता है, कहीं मेरा कैमरा ना फोड़ दे ये बंदा। सो यहाँ पे एक और यू टर्न आया, तो यहाँ पे मैंने यू टर्न इजीली निकाल लिया, और यहाँ पे आता है 2 कालू खड्डा गड्ढा, और ये यहाँ पे आगे का चक्का हवा में, ये फिर नीचे और ये फिर ऊपर। फिर इसके बाद तो यहाँ पे मैंने रपा रप गाड़ी को खींचा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट दिया मैंने, उतना ये था नहीं। और ये मेरे आगे पीछे बंदा अटक गया, अभी अपना दोस्ती है, साथ में हम आए थे बोईसर से, और ये हम यहाँ पर निकले। तो ज़्यादा सबसे मज़ा वहाँ पर आया था,
और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई ऑफ रोडिंग के लिए, बिकॉज इसका सस्पेंशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है ना कि आपको अलग ही मज़ा आएगा, जो आपको बाकी बाइक्स में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, जो आपको एक्सपल्स या इम्पल्स या ऑफ रोडिंग की। यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा घाई हो गया, तो यहाँ पे किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते आप से आगे, और इनको ओवरटेक नहीं कर सकते आई थिंक सो। नहीं ये मेन है, नहीं नहीं ये हमारे एक दूसरे यूट्यूबर्स हैं, बहुत बातें की है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, कूल the experience. Please submit your gear there. Okay. Sir. So, आपको GoPro में उतना समझ नहीं आया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तो है, ठीक ही है, मतलब आई थिंक सो एक किलोमीटर के ट्रैक में ये हालत हो गया। थोड़ा और लंबा होता ना, लंबा तो और मज़ा आता, और गिरते और तूफानी हरकत करते। तो वेट करते भाई, सेकेंड राउंड मिलेगा क्या, कुछ सेटिंग लगा सकते हो? देखते हैं। एडजस्ट नहीं हो पाता यार, मतलब एक हाथ में बैग, एक हाथ में थोड़ा पकड़, भाई दिखा दूं मैं कैसे क्या पकड़ा हूँ। देखो एक हाथ में बैग, एक हाथ में हेलमेट, कैसे कैसे करेंगे ब्लॉगिंग भाई। सो भाई इतने दूर आए, हमने भी उम्मीद लगा के बैठी है भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल जाए, तो यहाँ भी हमारे भाई यहाँ पे इवेंट के लिए आया था, बट अपने भाई मिल गए। मैंने सोचा नहीं था कि भाई मिल जाएंगे, एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर भी है, ओके, बट अपने भाई अपने फेवरेट है, सब्सक्राइबर है भाई। चलो भाई, तो भाई को फोटो लिए बिना छोड़ने वाले हैं नहीं। वाह, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज भी है खाने पीने का। सो क्या मिल रहा भाई, बर्गर मिल रहा है क्या? हाँ, थैंक यू। अरे वाह भाई, आपका नाम क्या है? अवधूत। राहुल? अवधूत। अवधूत, एक नंबर। क्या हालत है? We have this what's your channel name? Bullet Singh Boisar. Yeah, Bullet Singh Boisar, and he is a very famous guy, and he has done this adventure tour today. भाई इधर भी यूट्यूबर भाई है, देखो यहाँ पे कर रहे हैं शूट। भाई आपका नाम तो बता दो। चिरंजीवी, माय चैनल नेम इज वी ब्रोस। वाओ, देख लो साइड सर्च कर लो भाई, आज तो मतलब चांद कहाँ से आ गया क्या मालूम। ओमकार गोवारी। ओमकार गोवारी, आप इधर से हो? नहीं, बोईसर से। बोईसर से आए हो? किसके साथ है बोईसर से? अरे क्या है, अपने साथ था, इसके लिए तो ये तो था अपने साथ भाई, टाइम टाइम समझ गया ना वो कर रहा है। मिली हमारे कुछ टेंट भाई, आपका नाम? राज जतिन। तो भाई आपको आप लोग का राइड हो गया? नहीं नहीं, बाकी बाकी है। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट आपको भी। चलो देखते हैं इनका राउंड हम। तो आ सकते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस नाइस। कसम से कहूँ 4-5 बार गिरी, लेकिन बंदी ने हार नहीं मानी, बंदी ने मानना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको देख रहा था। जरूर जरूर ले लो फोटो यार, ले लो भाई, देखो और हमारे यहाँ पे मित्र मिले। हर्षल फ्रॉम कांदीवली। कांदीवली भाई, हाई फाई हो जाए यार, हाई फाई हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, आपका नाम क्या है? हाय, अजिंक्य। कांदीवली साहब भी बहुत बढ़िया यार, मतलब आज काफ़ी ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। तो भाई राइड हो गई? नहीं, राइड बाकी है। राइड बाकी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। चलो बढ़िया,
और इनका भी बाकी है भाई, ऑल द बेस्ट। हम लोग तो कब से लाइन में बैठे हैं, 100 नंबर। सो भाई अभी तक जो आपने देखा, सब बड़े बड़े लोग ले बाइक को उड़ी मार रहे, इधर गिर रहे, उधर गिर रहे, हवा में जा रहे, लेकिन अभी जो आप देखने वाले हो, बड़े नहीं छोटे भाई का कमाल। ओके, तो छोटी सो नेम भाई रहीश। तो भाई आप सचिन में बाइक चलाने वाले हो? हाँ। या घर से वो छोटा मोटा गाड़ी लेके आया है? नहीं, एक्सपल्स। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सो भाई का राइडिंग देखेंगे हम लोग बिहाइंड द सीन, कैसे ऑफ रोडिंग करने वाले हो। सो कब से अभी ऑफ रोडिंग कर रहे हो? फोर ईयर्स। मतलब अभी आप कितने साल के हो? अभी 11। 4 ईयर्स 8 7 साल से। क्या बात है यार, हमें मिल गया होता तो आज लद्दाख दर्शन तो हो गया रहता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फुल राइडिंग गियर में है, प्रोफेशनल है। ओके, देखो। ओहो, ओके, यू वांट टू गो ऑन द ट्रैक? Well done. यहाँ पे ये बंदा जा रहा है, तो भाई जो भी है इसको GoPro शूट देख लेना भाई, मजा के आना प्लीज, नाम मत खराब करना गिर के, अगर गिरे। हाँ? ये वो जो जंप करेगा अभी देखना। कहाँ है, वार है क्या? अरे बोल तोड़ रहा, अरे स्लो स्लो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अगली बार ऐसा रहा ना तो मैं बोलूँगा आप भी आओ, एक्सपीरियंस लेके जाओ। और सबसे यूनिक तो छोटा बच्चा जो 11 साल का था, जिसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, पूरे गियर्स में था, उसने कमाल ही कर दिया। हमारी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई, अब हम निकल रहे घर की। और चले भाई, ये भाई को तो लेट होने वाला है, बाइक लेके आने वाले, सुबह 7 में लेके आए थे 3 बजे से इधर ही हम लोग, और बहुत गर्मी है, जैकेट में हालत बिगड़ रहा है। जैकेट बहुत मस्त है, एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला जैकेट है ये। सो भाई सच्ची कहो तो आज बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, मतलब पहली बार ऑफ रोडिंग करने को मिला। सो भाई मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ, ऐसा कहीं इवेंट आपको पता हो कि मुंबई में कहीं हो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कर देना या मेल कर देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। भाई बहुत मज़ा आता है, सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और जी खोल के राइड करने को मिलता है, वो भी ऑफ रोडिंग हो या कुछ भी राइडिंग का प्लान हो, जहाँ पर कंपनी बाइक दे रही हो कि आओ हमारी बाइक चलाओ और अपना रिव्यू दो। तो ऐसे इवेंट में भाई आप भी पहुँच जाना बिंदास बेधड़क, और हम भी पहुँच जाएंगे बेधड़क। सो अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास भी बाइक होना चाहिए तो ही आप ऐसे इवेंट में जा सकते हो, कुछ नहीं, आपके पास बाइक हो या ना हो बट आपके पास लाइसेंस और हेलमेट होना चाहिए, बस आप पहुंच जाना। और सर बिल्कुल सर मना मत, कभी ऐसे इवेंट में जाना हो तो बिंदास जाना। मैंने देखा यार अंकल, सिटी 100 देन स्कूटर से आए थे लोग और मज़े से राइड कर रहे थे वहाँ पे, तो बिल्कुल टाइम शर्माना नहीं। देखो हमको सीखना है, हमको चलाना है, तो शर्माने वाले काम करना नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो नेक्स्ट टाइम तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, नुस्तत मेरा पेट्रोल में इतना पैसा चलेगा खाली फोकट, क्योंकि वहाँ पर बाइक मिलता है ऑलरेडी चलाने के लिए, खाने पीने को भी देते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। हालात देखो एक दिन में क्या हो गया, एक्चुअली सुबह सुबह निकले थे 3 बजे हम यहाँ से निकले थे, वहाँ पे सबसे पहला पहुँचे और स्टार्टिंग में ही हमने वो राइड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए ऐसा तलब रहे भाई, सेकेंड राउंड मिले। उन्होंने कहा कि सब कंप्लीट होने के बाद आपको सेकेंड क्या थर्ड क्या फोर्थ राउंड तक मिलेगा, और वैसे ही हुआ। मेरे मतलब रहा नहीं गया, मेरे से बहुत नींद आ रही थी मेरे को, और बहुत थकान हो गया था क्योंकि रात भर सोया नहीं था, 1 घंटे की नींद मार के गया था मैं, इसलिए मैं वहाँ से चला आया, विरार चले गया था, घर पे जाके सो गया। लेकिन जब दोस्त लोगों का मैसेज आया तो कहा कि भाई मैंने 6 राउंड मारा, मैंने कंटिन्यू 3 राउंड मारा, फिर इतना दुख हुआ ना भाई पूछो मत। तो अगली बार कहीं होगा ना तो
पूरा राउंड लेके जाऊंगा मैं। सो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हीरो एक्सपल्स जो है ऑफ रोडिंग के लिए बेहतरीन गाड़ी, उसका डिज़ाइन ही कुछ अलग बनाया गया है कि वो सिर्फ उनको पसंद आ सकता है, इनके अंदर कीड़ा हो ऑफ रोडिंग का कि नहीं हम ऑफ रोडिंग ही करेंगे। हाँ ये है कि उसको आप हाईवे मतलब हाईवे पे या अच्छे रास्ते पे जाओ, उसमें आप स्पीड मांगोगे तो 120-125 आपको लास्ट मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। जैसे KTM डुक 200 जो स्पीड देता है ओके, लेकिन KTM डुक ऑफ रोडिंग नहीं देगा जो आपको ये ऑफ रोडिंग देगा। तो ये है ऑफ रोडिंग के लिए एक नंबर बाइक, एक नंबर बाइक। बाइक का वेट भी लाइट वेट है, आप बाइक को हवा में उड़ा सकते हो, जितना हिमालयन हवा में नहीं उड़ेगा उतना ये एक्सपल्स हवा में उड़ेगा। मैंने देखा ना बाइक क्या हवा में उड़ा रहा था वो, मुझे तो बहुत मज़ा आया। जो लोग भी मुझे इस इवेंट में मिले सभी को दिल से थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए बातें किए, हमने साथ में सेल्फी भी निकाला, बहुत मज़ा आया। सो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, फटाक से फॉलो कर लो, थोड़ा फॉलो बढ़ा दो, हम मिलके जुलके कुछ करते हैं ना।